हे वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। और गाइज, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया क्योंकि आपने मेरी वो वीडियोस देखी थी जहां पर मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर की काइट्स बनाई थी। तो आपने उसमें से कमेंट करके बोला था कि सर आपने बना तो दी काइट्स लेकिन उड़ा के नहीं दिखाई। तो आज की इस वीडियो में क्या करूँगा, फिर से एक न्यूज़पेपर की काइट आपको बना के दिखाऊंगा और फिर उसको उड़ा के दिखाऊंगा और हो सके तो पेच भी लड़ा के दिखाऊंगा। तो चलिए, जो आपको सबसे पहले जो जो सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी न्यूज़पेपर काइट बनाने के लिए। तो चलिए देखिए सबसे पहले सामान क्या क्या चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले जैसा कि नेम में हमारा न्यूज़पेपर काइट, यानी न्यूज़पेपर से हम पतंग बनाने जा रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको टेप की जरूरत पड़ेगी, चाहो तो आप टेप से इसको जोड़ सकते हो जो आप तिल्लों को जोड़ोगे, या फिर आप गोंद का इस्तेमाल कर सकते हो या फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी है वो आपकी इच्छा है। एक सीजर की जरूरत पड़ेगी, सीजर चाहो ले सकते हो चाहो तो नहीं ले सकते, अगर आप फ्रीली आप हाथ के साथ ही अगर अखबार को फाड़ सकते हो। उसके बाद तो पता आपको, कन्ने पाने के लिए सद्दी की जरूरत पड़ेगी, ये हमारे पास डोर है। और जो मैं मेन चीज़ भूल गया वो क्या चीज़ है, वो है हमारे तिल्ले। तो तिल्लों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तिल्ले के बिना तो हमारी पतंग उड़ेगी नहीं। जो तिल्ले यूज़ करने वाला हूँ मैं, वो या तो आप पुरानी पतंग के कोई फटी हुई पतंग उसके तिल्ले यूज़ कर सकते हो, जैसे देखो कोई पतंग फट गई थी उसका मैंने गोल तिल्ला ले लिया है। और चाहो तो आप झाड़ू के तिल्लों का यूज़ कर सकते हो, और मैंने वीडियो बनाई हुई है बकायदा भाई झाड़ू के तिल्ले से आप पतंग के तिल्ले कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं इनको साइड में रख देता हूँ यहाँ। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होगा, एक सिंगल साइडेड न्यूज़पेपर ले लेना होगा। अब वो आपके ऊपर है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से आप जितनी मर्जी बड़ी चाहे पतंग बना लो। जितनी बड़ी पतंग बनाओगे उतना बड़ा तिल्ले की जरूरत पड़ेगी। तिल्ले क्या है, या चाहो तो आप झाड़ू से जोड़ जोड़ के बना सकते हो या फिर पुरानी पतंगों के तिल्ले निकाल के उस पर से जोड़ जोड़ के बना सकते हो। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेंगे, सिंगल साइडेड न्यूज़पेपर लेना है क्योंकि मैं सिंगल साइड न्यूज़पेपर की पतंग बना के दिखा रहा हूँ अभी आपको। सिंगल साइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो ये क्या, ये पूरा डबल साइडेड न्यूज़पेपर है, दोनों साइड है इसकी डबल साइड न्यूज़पेपर। लेकिन सिंगल साइड का मतलब क्या होता है, इसमें से मैं हाफ कर लूँगा इसका और एक साइड रह जाएगी। तो वो या तो हाफ कर लो या फिर आपको बीच में से ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसे घर में अखबार आते हैं तो अखबारों के बीच में एक सिंगल साइड दे रखा होता है उन्होंने ऑलरेडी। ये देखो जैसे ये है मेरे पास सिंगल साइड है, ये यहाँ से इस तरह से। तो मैं बाकी न्यूज़पेपर है इनको साइड में रख देता हूँ। तो मैंने सिंगल साइड न्यूज़पेपर यहाँ से ले लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मेरे सिंगल साइड न्यूज़पेपर है ऐसे। अब मुझे काइट की शेप देनी है पहले इसको। काइट की शेप कैसे आएगी, अगर मैं इसको यहाँ से बेंड कर दूँ तो ये जो कॉर्नर है इसको यहाँ पर ला के आना है मुझे। तो इस कॉर्नर को मैंने ऐसे उठाया और इस कॉर्नर को मैं लेके आऊँगा इसमें, यहाँ पर कॉर्नर को लेके आया और यहाँ पर जो आपका बिल्कुल इस तरह से ये कॉर्नर पॉइंट बनना चाहिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये चीज़ हो गई मेरे पास। अब मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ, ये ऐसे अखबार था मेरे पास, मैंने क्या किया ये जो कॉर्नर है इसको मुझे इधर लेके आना, मैंने इसको कॉर्नर ऐसे किया और यहाँ पर एक कॉर्नर आपका बन जाएगा। ये चीज़ हो गया आपके पास। अब ये जो पोर्शन है, ये जो इधर का पोर्शन है नीचे का, इस लाइन से जो नीचे का पोर्शन है उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐसे बेंड कर दूंगा ये इस तरह से। ये मैंने यहाँ से किया इसको बेंड, ठीक है गाइस। ये चीज़ ये मैंने यहाँ से ऐसे बेंड कर दिया। अब ये जो पोर्शन मैंने बेंड किया है ना, ये वाला पोर्शन, इसको आपको कट करना है। चाहो तो आप सीजर की हेल्प से कट कर सकते हो, चाहे आप नॉर्मल फ्रीली हैंड के साथ कट कर सकते हो। तो अगर हाथ के साथ करें तो बड़े ही आराम से आपको करना है ताकि ये फट ना जाए। तो इस तरह से मैंने इसको किया यहाँ पर, और ये चीज़। अब ये जो पोर्शन है इसको रख के रखूँगा मैं, क्योंकि ये फर्दर काम आने वाला चीज़ है हमारे पास। ये मैंने रख लिया यहाँ। अब ये शेप हमारे पास हो चुकी है डेवलप। उसके बाद सिंपल हमें एक स्ट्रेट तिल्ला चाहिए और एक गोलाई का तिल्ला चाहिए। तो ये मेरे पास पुरानी पतंग का तिल्ला, जो गोल वाला तिल्ला है, देखिए यहाँ पर, देखिए कितनी आसानी से ये एकदम एग्जैक्ट लग चुका है अपनी पोजीशन पे यहाँ पर। इसको मैं टेप से चिपका दूंगा फिर बाद में। अब मुझे स्ट्रेट तिल्ला चाहिए, तो स्ट्रेट तिल्ले के लिए मैं एक झाड़ू का इस्तेमाल करूँगा, और चाहो तो गोल तिल्ला भी आप झाड़ू से बना सकते हो, वो मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है। तो चलिए स्ट्रेट तिल्ले के लिए हमको क्या थोड़ा मोटा सा तिल्ला चाहिए, तो मैं देखूँगा थोड़ा मोटा सा तिल्ला कौन सा है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये तिल्ला मुझे मिला है, ये देख सकते हैं, देखिए इसकी मोटाई भी है इस तिल्ले की और नीचे से भी बढ़िया है यहाँ पर। तो चलो मैं दूसरा तिल्ला देखता हूँ, ये थोड़ा सा, तो दूसरा तिल्ला देखता हूँ मैं यहाँ, ये तिल्ला सही है, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। झाड़ू को मैं साइड रखता हूँ, ये देखिए तिल्ला यहाँ से मोटा है, यहाँ से भी ऊपर से बारीक है। लेकिन मुझे तो जितना चाहिए उतना मैं रखूँगा, बाकी तो मैं कट डाउन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर रखा इसको, यहाँ रखा ऐसे, और ये मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ तक का। तो मैंने यहाँ तक लिया, ये यहाँ तक ऐसे लिया और बाकी का पोर्शन मैंने तोड़ दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, टेप की हेल्प से इसको जोड़ देना है। चाहो तो आप चौड़ी टेप ले सकते हो, चाहे आप पतली टेप ले सकते हो, ये वाली यहाँ पर, ये टेप आपको ईजिली
जो काइट की दुकान से जहाँ से आप पतंगे लोगे वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी, कोई भी कलर में ले सकते हो क्योंकि काफ़ी पतली टेप होती है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर। तो इसको अब हम चिपका देंगे यहाँ पर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से। इसी तरह से मैं नीचे का तिल्ला भी लगा दूंगा यहाँ पर। यहाँ से ऐसे इसको स्ट्रेट किया मैंने, ये मैंने स्ट्रेट किया यहाँ यहाँ पर, ये मैंने इसको यहाँ पर ऐसे चिपका दिया। ठीक है गाइस, एक मैं बीच में भी लगा देता हूँ ताकि ये बीच में सेंटर में रहे, इधर उधर ना जाए। तो मैं एक सेंटर के लिए भी लगा देता हूँ टेप को, तो मैंने इसमें सेंटर में किया और इसको यहाँ से ऐसे सेंटर पे लेके आया। तो ये तो था मेरा स्ट्रेट तिल्ले का काम, ये तो मेरा हो गया। अब मुझे लगाना गोलाई वाला तिल्ला, तो गोल वाले तिल्ले के लिए इस तरह से ये लगेगा आपका गोल तिल्ला यहाँ से यहाँ पर। ठीक है गाइस, ये चीज़ देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको टेप लगानी होगी, तो मैं क्या करता हूँ पहले टेप निकाल लेता हूँ। तो मैं पहले टेप यहाँ से, यहाँ मैंने टेप निकाल ली और इस पर पहले मैं नीचे लगा देता हूँ, नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे मैंने लगा दी। फिर मैंने तिल्ला लिया और यहाँ से यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बैंड। ठीक है गाइस, ऐसे ये चीज़। सेम वे में मैं क्या करूँगा, साइड में जो उधर है उस साइड भी ऐसे करूँगा। मैंने टेप निकाल के रखी, यहाँ पर नीचे की तरफ लगा इधर टेप को यहाँ पर ऐसे, इसको मैं बैंड करता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसको ऐसे बैंड किया और ये नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे बैंड हो गया। ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद एक टेप यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम, ताकि ये और मजबूत हो जाए क्योंकि अखबार रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने टेप लगाई ऐसे और इसको बैंड करके किया यहाँ पर ऐसे। सेम वे में मैं करूँगा, यहाँ पर लगाई टेप ऐसे और मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ से ऐसे। तो देखिए जो ऊपर का व्यू है, फ्रंट व्यू ये देख लीजिए और बैक साइड का व्यू देख लीजिए, ये हमारा अभी ये बन चुका है। अब मुझे नीचे का यहाँ की जो इसकी पूंछ होती है तो वो बनानी है। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन था, ठीक है मैंने कहा था इसको घेरना नहीं है, अब ये बचा हुआ पोर्शन। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो आप इस तरह के एक ये जो होती है ना हमारे इस तरह के ट्राइंगल शेप की ये चीज़ यहाँ पर लगा सकते हो, ट्राइंगल शेप की बना के इस तरह से यहाँ पर ऐसे ये आ जाएगी। या चाहो आप दूसरा जो मैं अक्सर अपनी पतंगों में बनाया करता हूँ जो पूंछ से होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, उसके लिए क्या करना मैं उसको थोड़ा सा कट डाउन कर लेते हैं। ये मैंने काट लिया यहाँ से, उसके बाद मुझे क्या करना है इसको फोल्ड करता हूँ एक साइड से यहाँ से। तो ये मैंने इसको फोल्ड किया इधर से ऐसे, ठीक है। फिर मुझे कैंची के हाथ से हल्का हल्का इसको कट डाउन कर देना है यहाँ पर, ताकि ये जब मैं इसको ओपन करूँगा फिर देखना कितना प्यारा डिज़ाइन हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ थी। अब ये देखिए, अब इसको दो बार मैं फोल्ड करता हूँ ऐसे और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए गाइस, एक और टेप लगा देता हूँ मैं इस पर ताकि और मजबूत हो जाए, गिरे ना। तो देख सकते हैं गाइस, अब हो चुकी है कंप्लीट, पूरी तरह से रेडी हमारी पतंग। फ्रंट साइड देख लीजिए अब हमारी काइट की यहाँ पर, बैक साइड देख लीजिए अब हमारी काइट की। अब सिर्फ हमको डालने इसमें कन्ने। तो गाइस ये काफ़ी लोगों का वो कमेंट भी आए थे, भाई कन्ने किस तरह से डालते हैं हम पतंग के बीच में, तो अब सीख लीजिए आपको करना क्या होगा। तो कन्ने डालने के लिए आपको दोस्तों चार होल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी चार होल आपको करने होंगे। तो दो होल होंगे यहाँ पर, यानी डायगनली, अगर आप एक यहाँ करें तो इसके सामने होगा दूसरा होल, या फिर अगर आप इधर होल करें तो इसके सामने दूसरा होल होगा। दो होल तो यहाँ होंगे, जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पर किया तो इसके डायगनली यानी इसके इधर दो होल हो गए। उसके बाद आपको ऐसे हाथ रखना है, जो भी है इस तरह से हाथ रखना है, फिर दूसरे होल दो होल यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हो चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सद्दी लेनी है हमको। अब आपको डबल डबल डोर करनी है या ट्रिपल डोर करनी है वो आप कर सकते हैं। तो मैंने डबल किया इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है गाइस, ये मैंने यहाँ पर किया इस तरह से। और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से
ये जो मैंने दो होल किए थे ना, तो फर्स्ट होल से मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। तो आपको यहाँ से फर्स्ट होल से इसको निकालना है ऐसे, ये यहाँ आ गया फर्स्ट होल से निकाल कर इस तरह से, ये नीचे से आएगा इसके ऐसे, और फिर इस तिल्ले के ऊपर से निकाल के सेकंड होल से वापस करना है आपको उसको उसी साइड में। तो मैं तिल्ले की हेल्प से इसको फिर से उधर कर देता हूँ यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। ये देखिएगा इस, यानी इस तिल्ले, ये जो हमारा गोल तिल्ले, इसके ऊपर से निकालना है हमको डोर को, और फिर वापस खींच लेना है और यहाँ पर ला के इसको बांध देना है। ये मैंने इसको यहाँ पर बांध दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा सेम वे में। अब हमें नीचे वाली इसमें करना है, ऐसे ही था सेम, इस साइड से, एक साइड से हम जो एक होल है उसमें से हम इसको निकाल लेंगे और दूसरी साइड से वापस उधर करके फिर से बांध देंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ये मैंने इधर से निकाल दिया इसको। फिर इस, ये जो हमारा स्ट्रेट तिल्ला था, इस तिल्ले के ऊपर से निकाल के दूसरे होल से इसको हम क्या करेंगे, वापस खींच लेंगे ये चीज़ें, ठीक है। और फिर मैं पीछे ला के इसको फिर से बांध दूंगा यहाँ पर ये चीज़। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों का सेंटर निकाल के इधर से ऐसे करके सेंटर निकाल के दोनों का, और फिर यहाँ पर मैं इसको ला के बांध दूंगा। तो ये थी हमारी काइट जो हमने बनाई है न्यूज़पेपर के साथ। अब इसका करते हैं फ्लाइंग टेस्ट।